नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में पंचायत चुनाव के 2,00,000 मतदान कर्मियों को मिलेगी कोरोना किट, महामारी से बचाव का होगा पूरा इंतजाम। संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाले जाने का मामला पहुंचा जनता दरबार में, नीतीश बोले यह तो बहुत गड़बड़ हो रही है। बिहार के आंगनबाड़ी सेविकाओं को 2.5 साल से नहीं हुआ है भुगतान, जनता दरबार में नीतीश बोले पूरे राज्य में होगी जांच। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से नहीं होगा, नीतीश बोले शिक्षा और जागरूकता से ही घटेगा प्रजनन दर, कॉमन सिविल कोड पर साधी चुप्पी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार पर बोले तेजस्वी, छलावा ढकोसला और पैसे की बर्बादी है जनता दरबार। शिक्षक नियोजन के दौरान मुजफ्फरपुर में बवाल, अभ्यर्थियों ने बीईओ पर धांधली का लगाया आरोप। 15 जुलाई से बिहार के इन 75 अंचलों में मिल सकेगा जमीन का ऑनलाइन दस्तावेज, विभाग की तैयारी जोरों पर। टैक्स देने में हेराफेरी कर रहे बिहार के 900 लोगों को आयकर भेजेगा नोटिस। फिर आगे बढ़ी तारीख, मीठापुर बस स्टैंड अब 20 के बाद शिफ्ट होगा बेरिया। मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बिहार बोर्ड में 31 तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग इसी महीने बिगुल बजा सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। आयोग ने अब कोरोना महामारी से बचाव के लिए राज्य में 2,00,000 मतदान कर्मियों को कोरोना किट देने का फैसला किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कोरोना किट मतदान कर्मियों को मुहैया कराया जाएगा। इस कोरोना किट के साथ साथ अन्य जरूरी सामान मतदान कर्मियों को दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और अन्य सामानों की खरीद की जाएगी। यह सभी आवश्यक के सामान जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला स्तर पर जिला प्रशासन और सिविल सर्जन की देखरेख में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस किट का वितरण किया जाएगा। इसके अलावे पंचायत चुनाव को लेकर हर जिले में मेडिकल टीम का गठन भी किया जाएगा। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के कारण पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए जा सके हैं। पंचायत चुनाव समय पर नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने पंचायत के परामर्श समिति का गठन किया, लेकिन अब जब दूसरी लहर कमजोर पड़ी है, पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदें जग गई है। राज्य निर्वाचन आयोग चाहता है कि तीसरी लहर की आशंका से पहले बिहार में पंचायत चुनाव करा लिया जाए। इस हफ्ते बिहार में सभी जिलों के अंदर ईवीएम भी पहुंच जाएगी और पंचायत चुनाव को लेकर सारी प्रक्रिया चल रही है। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार कार्यक्रम में मौजूद रहे। 5 साल बाद मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। जनता दरबार में संविदा पर काम करने वालों को सेवा से हटाए जाने से जुड़ा मामला पहुंचा। एक शख्स ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचकर यह शिकायत की कि बिजली विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर नाइट गार्ड के तौर पर वह नौकरी करता था, हड़ताल पर जाने के कारण उसे सेवा से हटा दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले इस नाइट गार्ड ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पर जिस एजेंसी ने उसे रखा था वह मनमानी कर रही है। मामला श्रम विभाग में भी पहुंचा और वहां भी सुनवाई हुई है। हैरानी की बात यह है कि जिस शख्स को नाइट गार्ड की सेवा से हटाया गया, उसके साथ हटाए गए दूसरे लोगों को वापस काम पर रख लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कॉन्ट्रैक्ट सेवा से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए, जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों से जुड़े इस तरह के जो मामले आ रहे हैं उसको गंभीरता से ले। बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं को काम के बावजूद मानदेय का भुगतान नहीं होने का मामला सोमवार को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचा। सीएम के जनता दरबार में पहुंचे एक शख्स ने कहा है कि 2.5 साल से उनकी पत्नी आंगनबाड़ी सेविका के तौर पर काम कर रही है, लेकिन अब तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को पूरे राज्य में ऐसे मामलों की जांच कराने का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि जब ऐसे मामले जनता दरबार में सामने आ रहे हैं तो संभव है कि कई और जगहों पर भी मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा होगा। समाज कल्याण विभाग के सचिव को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि तत्काल पूरे राज्य में ऐसे मामलों की जांच कराई जाए और अगर मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है तो इसे सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कोई आंगनबाड़ी सेविका के तौर पर काम कर रही है तो उसे भुगतान होना चाहिए। आंगनबाड़ी सहायिका से जुड़ा एक ऐसा मामला भी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आया, जिस मामले में फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर कई लोग सेवा में आ गए और जो सही सर्टिफिकेट के साथ थे उनकी नियुक्ति नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने इस मामले की भी जांच का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नई नीति लागू किए जाने के बाद अब इस पर बिहार में भी बहस छिड़ गई है, लेकिन सियासी बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने से बहुत फायदा नहीं होने वाला है। सीएम नीतीश ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून से बहुत
फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाए और जागरूकता लाई जाए। नीतीश कुमार ने कहा है कि चीन जैसे देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून लाया गया था, लेकिन आज चीन में हालात क्या है यह सबको मालूम है। वह पहले से कहता आ रहे हैं कि अगर आप शिक्षा का स्तर महिलाओं के बीच में सुधारेंगे तो जागरूकता से प्रजनन दर में नियंत्रण हो पाएगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो जागरूकता आएगी और अपने आप प्रजनन दर में कमी हो जाती है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो सर्वे कराए गए हैं वह बताते हैं कि अगर महिला शिक्षित हो तो प्रजनन दर पर भी ऑप्शन कम हो जाता है। मैट्रिक और इंटर शिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर कम पाया गया है। बीते सोमवार को दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार पर 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य में सप्ताह में एक दिन तकरीबन 200 लोगों से मुख्यमंत्री मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इसका कोई फायदा होने वाला है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि ऐसी व्यवस्था करानी चाहिए कि दूर दराज के जिले से लोग यहां भी आ सके और उनकी समस्याएं सुनी जाए। तेजस्वी ने बताया कि जनता दरबार के लिए अधिकारियों के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था करना सरकार पर बोझ ही है। उन्होंने कहा कि पैसा तो खर्च हो ही रहा है, लेकिन निदान कुछ भी नहीं निकल रहा है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 200 से ज्यादा लोगों से तो हम प्रतिदिन मिलते हैं। तेजस्वी यादव ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार जनता के मुख्यमंत्री नहीं है, वे केवल अधिकारियों के मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार का जनता दरबार छलावा ढकोसला और पैसे की बर्बादी है। उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जनता के मुख्यमंत्री नहीं है। हमारे कहने के बाद अब उन्होंने जनता दरबार शुरू किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह के इस्तीफे की जो खबर चल रही है वह बिल्कुल बकवास है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि लालू प्रसाद यादव जल्द ही पटना लौटेंगे। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जारंग हाई स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए आयोजित नियोजन कैंप में जमकर बवाल हुआ है। नियोजन में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों ने बीओ की गाड़ी को घेर लिया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि बीओ कुछ अपने लोगों को नियोजन में रखकर अपने अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर उनका नियोजन करा रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियोजन कैंप में जिस पंचायत का नियोजन मैनेज था उसमें अभ्यर्थियों का नाम लाउड स्पीकर से नहीं पुकारा जा रहा था। आरोपों के बीच बीते सोमवार को दिन भर इस नियोजन कैंप पर हंगामा होता रहा। शाम में नियोजन के निर्धारित समय बाद सुस्ता पंचायत के अभ्यर्थियों और अन्य कर्मियों में हाथापाई की नौबत आ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस की मौजूदगी में मारपीट भी हुई। अभ्यर्थियों का आरोप था कि बीईओ व उनके चहेते सुस्ता पंचायत और अन्य पंचायत के अभ्यर्थियों संग नियोजन के कागजात बनाकर फर्जी तरीके से नियोजन करना चाहते थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने अंचलों के मॉडर्न रिकॉर्ड रूम से जमीन का दस्तावेज ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था को जल्दी शुरू करने के आदेश दिए हैं। अभी 15 जुलाई से 75 अंचलों में यह मॉडर्न रिकॉर्ड रूम शुरू हो रहा है। एसओपी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आवेदन के साथ फीस जमा करना भूल गया है तो आवेदन की खारिज करने की जगह उसे राशि जमा करने की नोटिस दिया जाएगा। यदि किसी ने शुल्क पूरा जमा नहीं किया है तो उसे भी सूचित किया जाएगा। पर मुख्य सचिव की योजना है कि लोगों को अपने दस्तावेज के लिए अंचल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने वालों को ऑनलाइन ही दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे। साथ ही ऑनलाइन व्यवस्था में समय सीमा भी तय कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 15 जुलाई से सीतामढ़ी, नवादा, गोपालगंज, खगड़िया, बक्सर, सारण, समस्तीपुर, कैमूर, सुपौल, मुंगेर, बांका, औरंगाबाद, सहरसा, गया और कटिहार जिलों में डाटा सेंटर सह रिकॉर्ड रूम शुरू करने जा रहा है। आयकर विभाग इस बार सालों से कम टैक्स दे रहे या आयकर देने में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। आयकर रिटर्न दायर करने वालों को केंद्रीयकृत तरीके से डाटा का विश्लेषण करने के बाद बिहार से 900 से ज्यादा लोग ऐसे सामने आए हैं जो पिछले 3 सालों से अपनी आमदनी की तुलना में कम टैक्स दे रहे हैं या अपनी आय को छिपा रहे हैं। इन लोगों को खास तौर से चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत जल्द ही इन सभी लोगों को नोटिस जारी करके स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। सही कारण नहीं बताने वालों के खिलाफ जुर्माना समेत अन्य सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 200 से 250 की संख्या में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 2016 में हुई नोटबंदी के बाद अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए कई स्तर पर इन्हें ठिकाना लगाया था। इन लोगों पर भी विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में है।
मीठापुर बस स्टैंड अब 20 जुलाई के बाद ISBT बेरिया में शिफ्ट होगा। इससे पूर्व इसका शिफ्ट होना मुश्किल है। इसका कारण ISBT में कई तैयारियों का बचा होना बताया जा रहा है। जब तक जरूरी तैयारियां पूरी नहीं होंगी तब तक मीठापुर से बस स्टैंड को पूरी तरह से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इससे पूर्व 15 जुलाई तक इसे शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। मीठापुर से हर दिन हजारों की संख्या में बसें खुलती है। ऐसे में ISBT में बड़े स्तर पर सुविधाएं बहाल करनी है। फिलहाल ISBT में 6 जिलों के लिए करीब 600 बसें रोजाना खुल रही है। ऐसे में शेष 32 जिलों की बसें भी ISBT से खुलने लगेंगी तो यात्रियों और बसों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी की जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले 9वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि रविवार को जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू हो गई है। नियमित कोटि के अध्ययनरत एवं स्वतंत्र कोटि के स्टूडेंट्स विद्यालय प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई तक करवा सकते हैं। 31 जुलाई तक ही शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी है। www.secondary.biharboardonline.com पर जाकर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके लिए परीक्षा शुल्क नियमित कोटे के स्टूडेंट्स को 320 रुपये व स्वतंत्र कोटि के स्टूडेंट्स को 450 रुपये देना होगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।